अभी तक तो उन्होंने सुना ही सुना था, पर आज उन्होंने देखा। नारद जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। हाथ जोड़ के सनक सनंदन महापुरुषों से कहते हैं, भगवान आज तक मैंने इस महिमा को सुना था, पर आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। पशु पक्षी कीट पतंग जो भी जहां थे सारे पाप से मुक्त हो गए। अब मुझे पता चला है कि इस मन को शुद्ध करने का उपाय दूसरा कोई इस पृथ्वी पर नहीं है। भगवान आप मुझे एक बात बताओ कि इस कथा को सुनने से कौन कौन जीव मुक्त होता है, किस किस पाप की मुक्ति होती है, मैं जानना चाहता हूं। सनत कुमार जी बताते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो मनुष्य दुष्ट पुरुषों का आचरण करता है, उनका संग करता है और निरंतर पाप कर्म करता है, कुमार्ग में चलने वाला है, हमेशा क्रोध से जलता रहता है, कुटिल है, कामी है, अगर वो भी सप्ताह की कथा श्रवण कर लेता है तो पवित्र हो जाता है। सत्य से हीन है, माता पिता को कष्ट देने वाला है, कुल को कलंकित करने वाले कार्य करता है, ना किसी आश्रम को मानता है, ना किसी धर्म को मानता है, दूसरों के विकास को देख के जलने लगता है, वो भी इस कथा को सुने तो पवित्र हो जाता है। पांच प्रकार के महापाप हैं। ब्राह्मण की हत्या करना, गाय की हत्या करना, स्वर्ण को चुराना, मद्रा आदि नशा का पान करना और चारों का संग करना, पांच महापाप है। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिना क्रूरा पिशाचा इव निर्द्याश्च। ये पांच प्रकार के जो महापाप करता है, छल कपट करता है और क्रूर प्रकृति वाला पिशाच के समान जो निर्दयी है, पशु पक्षियों की हत्या करता है, मारता है, निरंतर जो व्यभिचार करता रहता है, वो भी इस कथा को सुने 7 दिन तो मुक्त हो जाता है। कैसे? नारद जी एक इतिहास सुनाते हैं, आए हम सुनते हैं। तुंगभद्रा नदी का के किनारे पर एक ब्राह्मण रहता है अपनी पत्नी के साथ। उसमें जो ब्राह्मण है उसका नाम है आत्मदेव और उसकी पत्नी है धुंधली। ब्राह्मण बड़ा कर्मकांडी, नित्य नैमित्तिक कर्म करने वाला, बड़ा सरल, और पत्नी बिल्कुल उसके विपरीत। बात बात पे झगड़ा करना, गलत होने के बाद भी अपनी बात की पुष्टि करना, पति को कुछ खाने पीने को नहीं देना, पति चला जाता है तो पीछे माल बना के खाना, ऐसा स्वभाव। लेकिन फिर भी समय निकलता रहा, क्योंकि आत्मदेव का समय ज्यादा भगवान के भजन में निकल जाता था। लेकिन जब उसकी आयु लगभग निकलने लगी तो उसके मन में एक शंका उत्पन्न हो गई कि मेरे यहां तो कोई पुत्र नहीं है, मेरी गति कैसे होगी, मेरे संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, मेरी गति कैसे होगी। अब दिन रात इसी सोच में रहने लगा, सोचा कि मेरे जीने का क्या लाभ, जो मेरे संतान नहीं है, गति मेरी होगी नहीं तो जी के क्या करूंगा, मर जाऊं। और मरने की इच्छा से क्या किया, जंगल में चला गया, सोचा वहां अपने प्राण त्याग दूंगा। और मरने की इच्छा से जंगल में बैठा था कि अचानक वहां पर एक साधु आए, बड़े तेजस्वी। जैसे ही आकर के बैठे पेड़ के नीचे,
तो वो ब्राह्मण जो था आत्मदेव उनके पास चला गया, प्रणाम किया, चरणों में बैठ गया। अब जब देखा उसको आत्मदेव को, ब्राह्मण को, तो साधु ने कहा, ये ब्राह्मण क्या बात है, बड़े चिंतित से लग रहे हो। कहते महाराज क्या बताऊं, आप सब जानते हैं, आपसे क्या छिपा, मैं बहुत दुर्भाग्य वाला भाग्यहीन हूं, क्या बताऊं मैं अपनी स्थिति, मेरे यहां कोई संतान नहीं हुई, और मैं मरूंगा तो मेरी गति कौन करेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, फिर पुत्र की तो क्या, मेरा तो ऐसा भाग्य है कि मैं अपने हाथ में कोई फल ले लूं तो फल सड़ जाता है, मैं कोई फल फूल का पौधा लगाता हूं तो उस पर फल फूल आता नहीं, जिस गाय को पालता हूं वो गाय भी बांझ हो जाती है। साधु पुरुष कुछ बोले नहीं, उसका मस्तक पढ़ा, देखा और दो शब्द बोले, ब्राह्मण मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति वेकंतु समासाद्य त्यज संसार वासना। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे ब्राह्मण, पुत्र का मोह छोड़ दो, क्योंकि कर्म की गति बड़ी बलवान होती है, बड़ी बलवती होती है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासनाओं को त्याग दो। विवेक मैंने ज्ञान, क्योंकि मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखा में देखा, एक नहीं, सात जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, आगे छह जन्म और पड़े हैं अभी, उसमें भी संतान नहीं होगी, फिर ये कैसे तुमने कह दिया कि मेरी संतान से कल्याण होगा। राजा अंक के भी तो संतान थी, उसको क्या सुख मिला, संतान के कारण उसको तो राज्य छोड़ के जाना पड़ा। ये अपनी भ्रांति को छोड़ दो, क्योंकि कल्याण तुम्हारे पुत्र से नहीं होगा, तुम्हारे अपने कर्म से होगा। तुम अपने कर्म से ही अपना कल्याण कर सकते हो, किसी का पुत्र किसी का कल्याण नहीं। बहुत से उनको ज्ञान दिया, लेकिन उसकी समझ में आता कैसे, जिस मन के अंदर ज्ञान आना था उस मन में तो पहले से इच्छा बैठी हुई थी, और पात्र भरा हुआ हो तो उसमें दूसरी वस्तु कैसे आए, खाली होगा तो दूसरी वस्तु आएगी, और उसके उस हृदय रूपी पात्र में तो संतान बैठी है, पुत्र बैठा है, ज्ञान उसके समझ में नहीं आया, उसमें कुछ नहीं जानता महाराज, कैसे भी हो मेरे को तो एक आप पुत्र दे दो, और आप सक्षम है, क्योंकि भगवान से भी बढ़ के आपको माना, जा तो मेरे को पुत्र दो, नहीं तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगा, तो आप ही को दोष लगेगा। साधु ने देखा है मानने वाला नहीं, एक झोला था उसमें से फल निकाला और दिया, ले ये अपनी पत्नी को दे देना, इससे तेरी इच्छा पूर्ण होगी। फल लेके चला बड़ा खुश सन्यासी ने, उस साधु ने मुझे फल दे दिया, फल लेकर के चल पड़ा, जाके अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने फल तो ले लिया, पहले ही पति के विपरीत रहती थी, उसने सोचा अगर मैंने फल खाया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्या होगा, अगर मैंने ये फल खाया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, और कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया, मृत्यु हो गई, तो मेरा था सारा सामान मेरी नना दादी ले जाएंगी, लोग ले जाएंगे। अब ऐसे मन के अंदर कुविचार से उत्पन्न हुए, फल तो ले लिया, खाया नहीं, उसको रख दिया, मन में सोचने लगी अगर मेरे पति को पता चला कि फल दिया है खाया नहीं तो मेरा क्या होगा, हर समय भय लगा रहता है। एक दिन उसकी बहन आई उसके घर, उसने पूछा क्या बात है, धुंधली से एक बड़ी चिंतित लग रही, तो उसने बात बताई, तो कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है, देख मैं इस समय गर्भवती हूं, तू गर्भवती होने का नाटक कर, जब मेरे संतान होगी तो वो तेरे को दे दी जाएगी, और उसके बदले में तू मेरे पति को पैसे दे देना, और जो फल है उस फल की परीक्षा के लिए तुम गाय को खिला दो, गाय को खिला दो।
उसने कहा बात तो ठीक है, नाटक शुरू, गर्भवती होने का नाटक शुरू। उधर वो फल गाय को खिला दिया गया। समय आने पर धुंधली की बहन के जब बेटा हुआ तो वो चुपके से धुंधली को दे दिया। अब आत्मदेव तो ज्यादा बाहर ही रहते थे, अब उनको समाचार मिला कि ऐसे ऐसे पुत्र हुआ है। जब उनको समाचार मिला तो वो वापिस आए बड़े खुश। अब वो खुश क्यों थे, उनको पता ही नहीं था कि यहाँ हेरा फेरी क्या हुई। वो तो खुश थे कि संत ने मेरे को प्रसाद दिया और उनकी कृपा हो गई, और इधर गाय ने बच्चे को जन्म दिया, वो भी एक आश्चर्य हुआ। बांझ गाय ने बच्चे को जन्म दे दिया, और कैसा दिया, कहते बिल्कुल मनुष्य का, पूरा शरीर उसका मनुष्य का, सर आंख नाक हाथ पैर, केवल उसके कान जो थे वो गाय जैसे थे। इधर धुंधली ने जन्म दिया तो सोचा इसने 9-10 महीने कष्ट उठाया है, चलो इसके नाम पे इसका नामकरण कर दे। उसका नाम रख दिया धुंधकारी। वो गाय के कान होने के कारण गाय के बच्चे का नाम रखा गोकर्ण। अब दोनों का पालन पोषण होने लगा, लेकिन महाराज दोनों की वृत्ति में जमीन आसमान का अंतर। गोकर्ण जी परम सात्विक, भगवान में निष्ठा रखने वाले, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, पढ़े लिखे और विद्वान बने, और अपना सारा समय तीर्थों पे और भजन पाठ में व्यतीत करे। धुंधकारी बिल्कुल विपरीत। धुंधकारी ने क्या किया, कहते धुंधकारी विपरीत, मार धाड़ करना, लूटपाट करना, माता पिता से झगड़ा करना, माता पिता की चीज को छीन लेना। अब देख के आत्मदेव बहुत दुखी। अब उनको उस समय जो साधु ने, जो सन्यासी ने उनको ज्ञान दिया था, आज उनके काम आया। ध्यान देना, आप कभी भी ज्ञान की चर्चा सुनेंगे तो तुरंत आपके काम नहीं आएगी, वो आपके मन के अंदर बैठ जाएगी। जीवन में जब कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी तो आपके अंदर से उभर करके आपको वो सांत्वना देगी, तब काम आएंगे जरूरत पड़ने पर। ज्ञान याद रखने की वस्तु नहीं, जो सुनते हैं वो हमारे मन के अंदर प्रवेश कर जाता है, समय आने पर भीतर से निकलता है। आज उनको याद आने लगा कि उस संत ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जो पुत्र जीते जी मेरी ये दशा कर रहा है, मरने के बाद क्या गति, मैं गलत था। बड़े दुखी होके बैठे, अशांत, मैं क्या करूं। इतने में महाराज उनके पुत्र गोकर्ण यात्रा से लौटे, पिता को बैठे देखा, पिताजी क्या बात है, बताई सारी बात कि उसके कारण दुखी हूं। गोकर्ण जी हंस पड़े, पिताजी आप दुख ना करें, ये सारा संसार ही असार है, इसमें कोई सार कोई रस है नहीं, अपने ही रस को दूसरे में प्रवाहित करके हम उस रस को ग्रहण करते हैं, बाहर रस नहीं है कुछ भी, रस हमारे भीतर है। जहां हम उसमें केंद्रित हो जाते हैं हमारा रस उसमें प्रवाहित करता है और हम आनंदित होते हैं, बाहर नहीं। जग में सार नहीं है, है जग असार में सार, रसना हरि हरि बोल। जग में सार नहीं, सार है, रस है किसमें, उस परमात्मा में, उस हरि के नाम में, कहते उसमें सार है। कौन किसका पुत्र है, कहां किसका धन है, बताओ आप जिसके लिए इतने चिंतित हो रहे हैं, आपका अंश उसके अंदर कहां है, जिसको आप कह रहे हैं मेरा पुत्र, मेरा धुंधकारी, मेरा, वो है क्या। ज्ञान चर्चा होती है, वो क्या है, पीपे अस्थि और मांस भरी, क्या है वो, पीप अस्थि और मांस भरी, पीप पस गंदगी, अस्थि हड्डी, मांस, देहे स्थि मांस रुधिरे अभिमति त्यजतम, जाया सुतादिशु सदा ममता विमुंच। कहते वो कहां है आप उसके अंदर, आप तो यहां बैठे हैं, जिससे आप मोह कर रहे हैं मेरा मेरा, उसके अंदर क्या है, अस्थि भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, मांस भरा हुआ है, हुँ?
और रुधिर भरा हुआ है। त्यजतम, इसको छोड़ दो। जाया सुतादिशु सदा ममता विमंच, इनके अंदर जो ममता है ना, मेरा 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 मेरा, कहते इसको छोड़ दो। पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। इसको छोड़ो। छोड़ें कैसे? छोड़ना ही तो मुश्किल है। छोड़ने के लिए तो एक ही बात है कि उसके दोष को देखो। जब आपको अवगुण ज्यादा दिखाई देंगे, दोष ज्यादा दिखाई देंगे, तभी वस्तु छूटेगी, अन्यथा। तो कहते इसलिए पश्चा निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। आप देखो, जिसको आप मेरा मेरा कह रहे हो, ये क्षण क्षण में सारा नष्ट हो रहा है, सब बदल रहा है, सब विनाशशील है। वैराग्य राग रसिको, आप अपने मन के अंदर इन सब चीजों के प्रति वैराग्य भर लो कि इसमें से कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है, और भक्ति में अपनी निष्ठा करो। पीप अस्थि और मांस भरी इस काया से मत मोह करो। पीप अस्थि और मांस भरी इस काया से मत इस काया से मत मोह करो। इस काया से मत मोह करो। इस काया से मत मोह करो। देख कर मत रीजो बाहर की सफाई पर, वर्क है चिपका हुआ गोबर की मिठाई पर। कहते ये तो पतली सी चमड़ी क्या है, वर्क है अंदर, तो सारी गंदगी ऊपर वर्क लगा दिया, जैसे ही हटा तो नीचे गंदगी के पर डाले बह जाएंगे। छोड़ दो। सुत से पतियों के पास रहोगे तो विषय तो भरेगा। क्षण भंगुर है ये विश्व सकल। 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 क्षण भंगुर है जो दिख रहा। क्षण भंगुर है जो दिख रहा। जो दिखाई दे रहा क्षण भंगुर, देख रहे शरीर क्या था, सबका शरीर क्या था, क्या हो गया, घर क्या था, क्या हो गया, रिश्तेदार संबंधी भाई बंधु पत्नी पति पुत्र क्या थे, और शरीर से भी बदल गए, मन से भी बदल गए, परिस्थितियों से भी बदल गए, सब चीज से। क्या था, क्या हो गया, सारा क्षण भंगुर नष्ट होने वाला है। फिर करना क्या है, वैराग्य रास का रस पी लो। वैराग्य राग का रस पी लो। वैराग्य राग का रस पी लो। वैराग्य राग का रस पी लो। मन में भर लो शुभ भक्ति प्रभा। सबको मन से सबको छोड़ते, शरीर से मत छोड़ो, शरीर से जुड़े रहो पर मन से छोड़ दे। चलो मन में संसार को मत आने दो, शरीर को संसार में रखो और भगवान को मन में रखो।
और कुछ नहीं करना। लौकिकता का त्याग कर दो। लौकिकता मैंने लौकिक कर्म जो करते करने तो पड़ेंगे ना रहोगे तो, लेकिन इससे फल की इच्छा, फल की इच्छा मत करो। करो जितना किसी का अच्छा कर सकते हो करो, लेकिन इसके बदले मुझे कोई अच्छा भी कहे ये भी इच्छा। धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मान, छोड़ दो फल की आशा। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, मन से तृष्णा को, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्तवा। इसके लिए क्या करना होगा कि हमारे मन से ये सब निकले? कहते एक काम, ना किसी की दोष की चर्चा करो, ना किसी के गुण की। गुण की चर्चा करोगे तो बंधन का कारण, दोष की चर्चा करोगे वो बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, वो भी बंधन का कारण। ये बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है, बड़ा साथ देता है, इसकी भी चिंता। ना गुण ना दोष, दोनों गुण किसी के चिंतित करते रहोगे मन में, गुणों को देखोगे तो बंधन में पड़ जाओगे, राग के, राग बंधन बांध लेगा। और बार बार किसी के दोष देखोगे तो घृणा बंधन बांध लेगा, और दोनों ही जन्म मरण के कारण है। कहते इसलिए दोष चिंतन अन्य से दोष गुण चिंतन मास, किसी के गुण और दोष नहीं देखो, देखने हैं तो भगवान के देखो, क्योंकि भगवान के दोष देखे बंदे तो भी रावण और कंस की तरह कल्याण, और गुणों को देख लिया तो भक्त और प्रहलाद की तरह। बोलिए वांके, इसलिए गुण और दोष देखने हैं तो भगवान को बुरा कहते हो कोई बात नहीं कहो, लेकिन बंधन में तो बंध जाओगे, कल्याण के तो पात्र बन जाओगे, और संसार के बंधन में पड़ोगे तो जन्म मरण के चक्कर में, 84 के चक्कर में भटकते रहोगे। विष्णु कथा रस्महो नित्राम पिबत्वम, भगवान की कथा का निरंतर स्मरण करो, बुराई उछाई देखते रहो, उनको कहते रहो, लेकिन आपका कल्याण निश्चित है। ये मैं नहीं कह रही, ये आत्मदेव जी को ज्ञान दे रहे हैं उनके पुत्र गोकर्ण जी, उन्होंने सब कहा। अभी वो उनको ज्ञान का उपदेश मिला अपने पुत्र से, इससे पहले उपदेश मिला था सन्यासी से। दोनों इकट्ठे हो गए, मन को पता चल गया कि कोई किसी का, पुत्र ने तो दिखाई दिया था कितना मैं तुम्हारा हूं, अब मन में सोच लिया कोई किसी का छोड़ दिया, त्याग कर दिया मोह का, ममता का, और त्याग करके जंगल में चले। जंगल में जाके भगवान का भजन करते हैं। अब भगवान का भजन करते हैं वहां सारा दिन, सुबह से शाम तक, और भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और दसम स्कंद का प्रतिदिन पाठ करते हैं। ऐसा करते करते शीघ्र ही उन्होंने अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़ा, और उनकी आत्मा उस परमात्मा की ज्योति में जाके विलीन हो गई, मुक्त हो गई। अब आत्मदेव जी ने तो अपने आप को कर लिया मुक्त। उनकी पत्नी फंस गई, पत्नी कौन? धुंधली। कैसे फंसी? वो पति के साथ गई नहीं, तो वो भी पुत्र मोह में फंसी हुई थी। तो क्या हुआ? और पिता के मरने के बाद गोकर्ण जी तो वैसे ही बाहर रहते थे ज्यादा, तो इधर जो धुंधकारी थे उन्होंने माता को दुखी करना शुरू कर दिया। क्योंकि कुकर्म करते करते धुंधकारी जी 5 वैश्याओं के कई चक्कर में फंस गए थे। अब जिन 5 वैश्याओं के चक्कर में फंसे थे क्या हुआ? कहते हैं 5 वैश्याओं के चक्कर में फंस के अब जो वो मांगती उनकी इच्छा पूर्ति करते, चुरा के लाते, डाका मार के लाते, जुआ खेल के लाते। उसी चक्कर में अपने घर का सारा सामान उन्होंने लुटा दिया, सारे का सारा सामान लुट गया, कुछ बचा नहीं। माता से मारपीट करने लगे, बता धन कहाँ गाड़ा। बच्चों को रहता है ना, माँ बाप ने कहीं छिपा के रखा। उसने कहा कहीं नहीं, मारपीट करते।
तो एक दिन माता ने कहा कि मैं कल तुम्हें सारा सामान ला दूंगी जो मैंने छिपाया। धुंधकारी ने कहा ठीक है, अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब डर बैठ गया, मेरे पास सामान तो है नहीं और मेरा बेटा मारेगा। अब डर के मारे क्या हुआ, गई और जा करके एक कुएं में चला, मृत्यु हो गई। अब घर में कोई नहीं बचा। अब धुंधकारी जिन 5 वेश्याओं के चक्कर में था, उन वेश्याओं को अपने घर ले आया। एक दिन कहीं बाहर गया तो उन वेश्याओं ने अपने मन में विचार किया कि हम जो भी इसको कहते हैं ये हमारी इच्छा पूर्ण करता है, चुरा के लाता है, छीन के लाता है, लेकिन हमारे कहने पे लाता है, और ये भी निश्चित है कि एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो फंसेंगे हम भी, क्योंकि सामान हमारे पास आया, क्यों ना इसको मार दे। देखिए, बुरा कर्म करने वाले का साथ देंगे तो अंत क्या होगा, वही साथी आपका क्या हश्र करेंगे। उन्होंने क्या किया, फांसी का फंदा तैयार किया। जैसे ही आया धुंधकारी, वो फंदा उसके गले में, अब गले में फंदा डाला, लटकाया, लेकिन मृत्यु झूल रहे हैं पर मरे नहीं। अब वैश्याओं ने कहा कि ऐसे नहीं मरेगा। उन्होंने मिलके एक खड्डा खोदा, उस खड्डे में उसको डाला और उसके मुख के अंदर जलते हुए अंगारे के अंगारे, अग्नि के अंगारे जलते हुए डाल करके उसको उसके अंदर दफना दिया। अब छटपटाहट से मृत्यु हुई, लेकिन महाराज कुकर्मों के कारण उसको शरीर नहीं मिला। आत्मा भटक रही है इधर उधर। गोकर्ण को पता चला तो उन्होंने उनके निमित्त गया में पिंडदान किया। जहां जहां तीर्थ पे जाते उसके निमित्त श्राद्ध भी कर देते। अब एक बार लौट के गोकर्ण जी जैसे कभी कभी आते थे, घर में आए। अब जब रात को वहां पर वो सोने लगे तो उनके सामने कभी कोई भूत बन के आता है, कोई शेर बन के आ रहा है। तो गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुम कौन हो, ऐसे ऐसे रूप बदल के आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? और वो बोल नहीं सकता था, बोलने की शक्ति थी नहीं, रोने लगा। जब रोने लगा तो गोकर्ण जी ने अपने कमंडलू से जल लिया, अभिमंत्रित करके उसके ऊपर जल फेंका, उससे उसकी बोलने की शक्ति आई और उसने बताया, अहम भ्राता त्वदीय अस्मि धुंधकारी इति नाम, मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी, स्वकीयेणैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैंने ऐसे कुकर्म किए, पाप किए कि उसके कारण मैंने अपने ब्राह्मण धर्म को भी नष्ट कर दिया, और आज मेरी गति ये है कि मुझे कोई शरीर नहीं मिला, भटक रहा, और मेरा मुख जो है वो सुई की नोक के समान, आपके द्वारा दिए हुए जल के अतिरिक्त मैं और कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, आप मेरे को मुक्त करो। गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो आपके लिए पिंड दान किए, श्राद्ध कर्म किए, कहते एक नहीं हजारों पिंड दान कर दो, पर मैंने ऐसे कुकर्म किए हैं कि मेरा कल्याण इससे। अब मनुष्य की योनि को विशेष क्यों कहा, केवल मनुष्य योनि को कर्म करने का अधिकार मिला है, केवल विशेषता, और उसमें भी वो मात खा गया कि उसने कर्म किया नहीं जो करना था। ज्ञान सब या सब योनि में सबको होता है, लेकिन कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को मिला है। अब उसको ज्ञान है कि मैंने ऐसा कुकर्म किया, मेरी मुक्ति नहीं, पर वहां करने का अधिकार उसके पास, इसलिए मनुष्य योनि का महत्व है कि यहां जो हम कर सकते हैं कहीं और। मैंने बहुत कुकर्म किए हैं, मेरी मुक्ति आप ही। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुम जाओ, मैं सुबह सबसे बात करूंगा। सुबह जैसे संध्या वंदन से हुए मुक्त, जाके ब्राह्मणों से बात की तो ब्राह्मणों ने कहा, देखो भाई, शास्त्रों में सबसे ज्यादा जो है
गति यही बताई है कि पिंड दान कर दो गया में जाके, है ना, मुक्ति हो जाएगी। वो आपने कर दिया, अब हमारे पास तो और कोई उपाय है नहीं। हाँ, आप सूर्य देव से पूछ सकते हो, तो बड़े विद्वान थे, तपस्वी थे। गोकर्ण जी ने मंत्र शक्ति से सूर्य का स्तंभन किया, रोका। जब सूर्य रुके तो उन्होंने पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति का उपाय, शास्त्रों में जो लिखा है वो तो फेल हो गया, वो मुक्त नहीं हुए, आप ही बताओ। तो सबके सामने सूर्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे कुरुवार, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। आप श्रीमद् भागवत की कथा कह दो, वो मुक्त हो जाएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण, मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी भाई की मुक्ति का उपाय मिल गया। सुबह उठ करके तैयारियां शुरू हो गई। बाहर जो खुली जगह थी उनके गांव के बाहर, वहां आयोजन किया गया। एक निर्धन ब्राह्मण जो था वो जजमान बने और गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास पीठ पर बैठे। सब लोग आए, कथा की तैयारी हो गई, कथा प्रारंभ होने लगी तो धुंधकारी भी पहुंचा, क्योंकि उसी के निमित्त था सब कुछ। लेकिन वो बैठे कहां, शरीर तो मिला नहीं था, आत्मा थी। अगर किसी के शरीर में मिले तो उस व्यक्ति को कष्ट होगा, कहां बैठे। तो उसने देखा जहां व्यासपीठ का आसन था उसके पास एक बांस था लगा हुआ सूखा, उसके ऊपर जाके बैठ गया। और कुछ ऐसा चमत्कार कि उस बांस की सात ही गांठ थी, बैठ गया ऊपर। पहले दिन जब कथा हुई, जब विश्राम दिया गया, तो उस समय क्या हुआ, उसकी पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, छह दिन छह की छह गांठ फट गई। सातवें दिन और भी आश्चर्य हुआ कि जब सातवीं गांठ फटी तो उस बांस को तो खत्म हो गया, और बांस की जगह पर एक पुरुष खड़ा है, साक्षात विष्णु जैसा, पीताम्बर पहरे, मुकुट कुंडल। गोकर्ण को आश्चर्य कि ये विष्णु भगवान कहां प्रकट हुए, आए उठ करके। जैसे ही हाथ जोड़ने लगे तो उससे पहले ही हाथ जोड़ दिए, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी इति नाम, तो मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। आपके मुखारविंद से, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से मेरे को ये रूप मिला, और हाथ जोड़ के कहते हैं धुंधकारी, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। वो भागवत की कथा धन्य है जिसने एक प्रेत की पीड़ा का नाश कर दिया। प्रभु प्रेमियों, जो कथा प्रेत की पीड़ा का नाश कर सकती है, क्या हमारे जीवन में दुखों का नाश नहीं कर सकती, निश्चित कर सकती है। लेकिन जैसा विश्वास धुंधकारी का था, वैसा विश्वास आज हमारा नहीं है। वैसा विश्वास हमें, वैसा विश्वास प्राप्त करना है भगवान से, और भगवान से वैसा विश्वास प्राप्त करना है तो उसका एक ही उपाय है कि आप भगवान से आज प्रथम दिवस बैठे, है ना, तो भगवान से आप कृपा मांगो, भगवान हमें कृपा दो अपनी, बस कुछ नहीं चाहिए। प्रथम दिवस से कृपा मांगनी शुरू कर दो भगवान से। मांगा है मैंने शाम से, मांगो, मांगने के लिए मना नहीं करते, लेकिन संसार के पदार्थ मत मांगो, वो तो हमारे भाग्य में जो है मिलेगा ही। मांगना है तो क्या मांगना है, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम, मांगा ओ मांगा, मांगा है मैंने श्याम वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। Hey!
करो हरि कृपा करो, मांगो प्रेम से कृपा दो हाथ ऊपर करके कृपा भगवान की, कृपा करो हरि कृपा करो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो हरि कृपा करो, कृपा करो प्रभु कृपा करो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो हरि केवल कृपा, भगवान कुछ नहीं चाहिए, कृपा
पाना है तो कृपा। धुंधकारी कुछ नहीं जाता, उस समय इतना परेशान था कि वो कहता भगवान मेरे को मुक्ति दो। लेकिन हम ना तो मुक्ति मांगते हैं ना भक्ति मांगते हैं, हम तो कहते भगवान मेरे को संसार दो, मेरे को संसार दो, और भगवान भी पीछा छुड़ाता है जल्दी जल्दी लो, कम से कम मेरी जान छूट जाएगी भगवान सोचते हैं। संसार नहीं दिया मेरे पीछे पड़ गया तो मुझे पाछे पाछे हरी फिरत कहत कबीर, मुझे पीछे भागना पड़ेगा। अभी तो यही भाग रहे हैं, इसलिए दो संसार दो, लेकिन चक्कर में नहीं कृपा। आज प्रथम दिवस निश्चित कर लो कि हमें भगवान से कृपा ही मांगनी है। इस वरदान एक में सब वरदान आ गए, कृपा केवल कृपा। धुंधकारी ने कृपा मांगी थी, इसलिए धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। प्रेत की पीड़ा को नाश करने वाली क्या हमारे हृदय की पीड़ा का नाश नहीं कर सकती? क्या हमारे व्यवहार को स्वभाव को सुधार नहीं सकती? निश्चित, लेकिन कब? जब धुंधकारी की जगह अपने आप को खड़ा कर देंगे। अभी तो हमने धुंधकारी को खड़ा कर रखा है, लेकिन आपने धुंधकारी की जगह अपने आप को खड़ा करना है। विमान आ गया लेने के लिए, गोकर्ण के मन में दूसरी शंका। पहले तो भगवान कहां से प्रकट हुए, वो दूर हुई शंका। वो विमान सुनने वाले सैकड़ों और विमान एक ही, गड़बड़ है मामला। विश्वास डोल जाता है बड़े बड़ों का, भगवान के यहां भी गड़बड़ गड़बड़ फेरा फेरी है। क्यों? सुनने वाले लाखों विमान एक, क्या ये इसका सगा लगता था? पार्षदों से क्या, क्यों भाई? कथा सुनने वाले सैकड़ों हैं तो विमान एक क्यों? पार्षदों ने समझाया, महाराज इसमें भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं, भेदभाव तो श्रोताओं में था। क्लास में अध्यापक तो एक ही होता है, साइंस का टीचर है, क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, वो सबको बराबर पढ़ाता है ना? ऐसा तो नहीं ना कि बाकी को बाहर निकाल करके एक को अंदर बिठा लेता है जो फर्स्ट आया। उसने बराबर सब्जेक्ट की तैयारी करवाई, कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, कोई सामान्य पास हुआ, कोई अच्छे अंक लाया, कोई बिल्कुल फेल। मास्टर जी की गलती है क्या? मार्क देने में गड़बड़ की क्या? उस बच्चे की कैपेसिटी कितनी थी, उस बच्चे को ज्ञान प्राप्त करने की प्रतिभा कितनी थी? जितना उसने अर्जित किया उतना उसने उसके बदले में पाया, अंक पाया, डिवीजन पाई, ये ना। तो गोकर्ण जी ने तो सबको सुनाई, लेकिन पाने वाले ने अपनी अपनी प्रतिभा के हिसाब से और इच्छा के हिसाब से प्राप्त की। लेकिन इसने जिस प्रकार पाया ज्ञान आपसे, ऐसी भावना दूसरे श्रोताओं की नहीं थी, इसकी थी। अगर ये भी ऐसी प्रकार सुने, इसको तो था ही नहीं कुछ, ना घर की चिंता, ना भोजन की चिंता, ना पानी की चिंता, एक ही चिंता, मुझे मुक्त होना है। तो जब आप कथा सुनाते थे, कथा सुनता था, बाकी समय बैठ करके उसका चिंतन करता था, चिंतन करने से इसको ज्ञान हुआ और ये मुक्त हुआ। और सभी श्रोताओं ने कहा कि हमें भी ऐसे मुक्त होना, तो विमान में गए। सब ने कहा, गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। कहते कुछ समय के बाद फिर कथा रखी, तो इस बार सब घर से निश्चित करके आए थे कि हमें मुक्त ही होना है। अब ना कोई भोजन करने जाता था बीच में, ना कोई कुछ कथा सुनते, बाकी का समय बैठ करके कीर्तन करते और जो सुना उसकी चर्चा करते। और सातवें दिन वहां पे कहते सारे सैकड़ों विमान आए जिसमें बैठ बैठ करके सब लोग। ये तो हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। उसने तो दिया, सूरज ऐसा तो नहीं कहता कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, तुम्हारे पड़ोसी के घर में नहीं आऊंगा, कहता
वो तो बराबर आ रहा है, अब आपने कितना रास्ता छोड़ा है उसके आने का, ये आपके ऊपर है। आपने कितनी जगह छोड़ी है मन में ज्ञान को पाने की, ये आपके ऊपर है। कितना पाने की चाह रखते हैं, ये आपके ऊपर है। उतना आपका होगा, जितना आपके दो हाथों में आ जाए वो आपका, बाकी दूसरों का। ये तो आपके ऊपर, आप कितनी इच्छा रखते हैं, कितनी तीव्रता है मन में। धुंधकारी मुक्त हुआ, सैकड़ों लोग भी मुक्त हो गए, और गोकर्ण जी को लेने के लिए साक्षात भगवान स्वयं आए, क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं, वो भक्त वत्सल हैं। भक्तों पर कृपा कर, गोकर्ण जी दंडवत करने लगे, पर भगवान ने उठा के अपने हृदय से लगा लिया, गोकर्ण जी को सम लेकर के अपने धाम में रहे। ऐसी जो श्रीमद् भागवत की कथा है, सुनते सुनते जीवन निकल गया लेकिन कुछ प्राप्त, क्योंकि धुंधकारी नहीं बन पाए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं बन पाए, इसी कारण से मुक्ति। श्रीमद् भागवत की कथा का ये दिव्य महात्म चल रहा है। कौन सुना रहा है? सनत कुमार जी महाराज नारद जी को सुना रहे हैं। आनंद, और ये इतिहास सुनाया किस लिए जा रहा है कि भागवत का इतना महत्व है, क्यों इतना उसको महान क्यों बना दिया, उसकी कथा सुनाई जा रही। कल्याण कैसे होता है? गोकर्ण जी स्वयं मुक्त हुए, सैकड़ों और अपने साथियों को भी मुक्त कर दिया। अब श्रीमद् भागवत का महात्म चल रहा है। अब नारद जी तो पहले ही प्रभावित हो चुके थे इसका देख करके, सारा जो वातावरण उन्होंने देखा था कि कीट पतंग तक भी यहां उसको मुक्त हो गए, उन्होंने आगे प्रश्न किया था। कहते ये जो सप्ताह की कथा है ये सामान्य नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं कि सामान्य कथा नहीं। नारद जी भी कि इस कथा का अनंत फल मैं वर्णन नहीं कर सकता। नारद जी भी कह रहे हैं कि मैं अनुभव करने के बाद भी वर्णन नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत जो है, बस केवल उसकी शरण में जाओ और अपने जीवन को समर्पित कर दो और धुंधकारी की तरह मुक्त हो जाओ। ये जो कथा है, शांडिल्य ऋषि चित्रकूट जो है पर्वत पर हमेशा पढ़ते हैं, यही जो कथा अपने से पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हुए आनंद में निमग्न रहते हैं। कहते हैं जो परम पवित्र इतिहास है, एक बार जो इसका रसास्वादन कर लेता है, ध्यान दीजिए, सुन लेता है नहीं कहा गया, जो इसका रसास्वादन कर लेता है उसकी पाप राशि जल करके भस्म हो जाती है। जब पाप ही खत्म तो सब कुछ खत्म, अंधकार खत्म तो गिरना पड़ना, चोट तो अंधकार में लगती है, प्रकाश में तो आदमी संभल जाता है, पाप खत्म। लेकिन इसको रसास्वादन करना है, सेवन करना है, सुनना, सुनने तक सीमित नहीं रहना। केवल डॉक्टर के पास जाकर के हम जो है केमिस्ट से दवाई खरीद के ले आए, यहां तक सीमित रहोगे तो रोग ठीक नहीं होगा। समझदार है कि वो दवाई लाके मुंह में डाली, मुंह में डाल के निकाल दो तो भी ठीक नहीं होगा। वो मुंह में डालने के बाद कहां जानी चाहिए? पेट में, तब उसका लाभ होगा। जैसी पेट में जाती है अपना असर दिखाना। तो प्रभु प्रेमियों, रसास्वादन जो आप सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसको केवल आपने कानों तक सीमित नहीं रखना, कानों से भीतर ले जाकर के अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल करेंगे तो जीवन आनंदित होगा। ये दो कथाएं आप लोगों ने सुनी, महात्म में ये दो ही कथा है बस। और कितनी बार सुना होगा, घर में भी भागवत होगी, पढ़ते होंगे,
बोलो ना। आपको क्या मिला इससे? किसी को कुछ प्राप्त हुआ कभी? नहीं हुआ। इसका मतलब कथा झूठी, भक्ति ज्ञान वैराग्य झूठे, यही होगा फिर। असली होते दवाई नकली हो तो हानि करती, और असली हो तो इसका मतलब ये असली नहीं है, इसमें गड़बड़ है मामला। बोलिए बांके, यही हुआ ना। लेकिन हमें लगता है कि ये नकली नहीं, हम और आप नकली, हमारा और आपका पढ़ना नकली है, हमारा कहना नकली है, आपका सुनना बोलो ना नकली। अब कहां जो आपको बार बार जब से कथा प्रारंभ की है, जो तीसरा चरण है हमारे जीवन का, करो उससे वंचित है। करो ना, क्या करो? दवाई को मुख में डाल के गले से नीचे पेट में ले जाओ, ये औषधि है। ये बातें औषधि हैं आपके जीवन की, ये भव रोग को मिटाती है, और जो डॉक्टर देते हैं वो शरीर के रोग को मिटाती है। बोलिए वांके। अब शरीर का रोग मिटने के बाद दूसरा रोग लग जाता है, लेकिन जब भाव रोग मिट जाता है तो सभी रोग मिट जाते हैं। अब आपको सभी रोग मिटाने हैं जो शरीर के मिटाने? एक दवाई देते हैं डॉक्टर और दावा करते हैं इस दवाई को खाओ ठीक हो जाओगे, और दूसरा दावा करते हैं इसके साथ 150 रोग और लग जाएंगे। गारंटी से कहते हैं अगर नहीं खाओगे तो इस बीमारी से मर जाओगे, और अगर ये खाओगे ये बीमारी तो आपकी ठीक तो नहीं होगी, बस जहां है वहां रहेगी, लेकिन साथ में 100 रोग। अब आप क्या चाहते हो? 100 रोग लेकर के और 100 दवाइयां खाएं, या एक ही दवाई खा करके भव रोग मिटा दे? भव रोग मिटाना है ना, तो बस मांगो भगवान से। मांगा है मैंने शाम से, मांगा है मैंने शाम से, भगवान की मांगा है मैंने शाम से, भगवान केवल कृपा मांगो। और कृपा कैसे मिलेगी? थोड़ी सी चर्चा करें, समय पूरा हो रहा। कृपा यही करनी है, करो जो उन्होंने करना है वो ही। उनको हम कह रहे हैं करो, पर हम करने को तैयार? पढ़ो समझो और भगवान तो हम पर कृपा करें। और की कितने लोग हैं लेकिन कथा में कितने बैठे हैं, इसका मतलब हम पर विशेष कृपा है ना, हम पर विशेष कृपा, आप पर विशेष कृपा। अब कृपा है हम सब पर तभी हम यहां बैठे, लेकिन अब हमारी कृपा की कमी है। कहां कमी है आओ चर्चा करते। हम कथा सुनी, भक्ति नारद ज्ञान सुनी ना, लेकिन वो कब की थी? 5-6 हजार वर्ष पूर्व हुई हो, पहले की ना। और वो तो ठीक भी हो गई, भक्ति भी स्वस्थ हो गई, उसके पुत्र भी स्वस्थ हो गए, आत्मदेव को भी सब कुछ मिल गया, पुत्र भी मिल गया, पुत्र के मोह का फल भी देख लिया, और अंत में उन्होंने मोक्ष भी। लेकिन हमारे को क्या मिला? मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं। सारा जीवन भागवत लेके बैठे रहो, नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कब मिलेगा? जब आप समझोगे।
और जीवन में करोगे। करना है केवल, क्या करना है? अब जहां आपने भक्ति को, नारद को, ज्ञान और वैराग्य को खड़ा कर रखा है, वहां अपने आप को ले जाओ। चले, तैयार हैं जाने के लिए? नारद जी यमुना के किनारे पर पहुंचे। कहां पहुंचे? लेकिन यमुना के किनारे से पहले कहां गए? यमुना के तट पर वृंदावन में, यही गए ना? और वृंदावन अति पावन, पावन मानते हैं ना? क्यों मानते हैं? क्योंकि वहां पर भगवान और लीला करते हैं यमुना के तट पर। इसलिए घटना घटी यमुना के तट पर। अब आप अपने आप को वृंदावन ले चलिए, चलना है? एक क्षण में पहुंचोगे। आश्चर्य होगा कि कैसे। अब जोधपुर से वृंदावन पास में है, दिल्ली से 4 घंटे लगते हैं, तो यहां से कैसे पहुंचोगे? कहेंगे महाराज पागल हो गए कथा कर करके, बोलिए वांके। लेकिन एक क्षण में वृंदावन हम क्यों पावन मानते हैं? कहते क्योंकि वहां पर भगवान का अवतार हुआ। प्रभु प्रेमियों, 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि ऐसी है जिस योनि में हम भगवान को प्रकट कर सकते हैं। आप तो सबके भीतर वृंदावन है, और यमुना का तट है हमारा मन, क्योंकि मनुष्य अपने मन से भगवान का ध्यान करता है, मनुष्य अपने मन में भगवान का भजन, कहां जाने की जरूरत है? जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वहां भगवान। वृंदावन है ये मनुष्य का शरीर, जिस मनुष्य के शरीर के माध्यम से जीव ईश्वर तक पहुंचता है, और यमुना का तट वो नदी है मन, क्योंकि इसी मन से ध्यान करते हैं, इसी मन से भजन। मन से भजन नहीं होता तो भजन ही हमारा असफल हो जाता है, मन। और इस मन के अंदर क्रीड़ा हो रही है जो नारद जी ने देखी। वो क्रीड़ा क्या है कि भक्ति वहां पर है, युवा है, लेकिन बोलो ना, रो रही है, दुखी है, अशांत है, क्योंकि उसके दोनों पुत्र वहां पर अचेत पड़े हैं, वृद्ध हो गए हैं। आप देखो आपके इस मन रूपी यमुना के तट पर भक्ति है या नहीं है? बोलो ना, है? भक्ति नहीं होती तो यहां थोड़ी होते। भक्ति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता तो यहां सत्संग में थोड़ी होते। लेकिन ये भक्ति हमारी सुखी नहीं, हर बार घर में अशांत होते रहते हैं, दुखी। ये भक्ति हमें शांत नहीं करती। कारण? क्योंकि उनके दोनों जो पुत्र है ना, वैराग्य और ज्ञान, उनको हमने भीतर सुला रखा है। वो दुखी होती रहती है कि मेरे को तो लेके नाचते हैं लेकिन मेरे पुत्रों को सुलाई रखते हैं। बोलिए वांके, सुलाई रखते हैं। सोई देखो, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारा ज्ञान, नारद जी जब वेदों के मंत्र बोलते हैं तो ज्ञान और वैराग्य थोड़ा जागते हैं, पर फिर जम्हाई लेके सो जाते हैं, आलस, जागते हैं फिर। हमारा ज्ञान और वैराग्य भीतर से जागता है फिर सो जाता है। सत्संग में कथा सुनी तो लगता है भगवान के अतिरिक्त संसार में और, लेकिन जैसे ही जयकारा हुआ और भगवान की तरह पीठ हुई तो भगवान अपने घर में, हम अपने घर में। ज्ञान, शमशान में किसी की चिता जलती है, वहां बड़े सीरियस होकर के आप देखोगे तो लगता है बस यही है अंत, मन में थोड़ा सा, लेकिन जैसे पीठ घुमाई चले वैराग्य। घर में कहा सुनी हो गई अपने किसी निकट के प्रियजन से, जिसको हम अपना बहुत निकट मानते हैं, उसने हमारे विपरीत कोई बात बोल दी तो मन में फिर ऐसा लगता है कि हम सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। लगता कभी ऐसा? लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने कुछ अच्छा शब्द कह दिया तो वैराग्य।
समय समय पर हमें मंत्र मिलते हैं परिस्थितियों के, घटनाओं के, हमारे मन में ज्ञान और वैराग्य को जगाते हैं, पर फिर उसको, इसलिए हमारी भक्ति सुखी नहीं। हमारी भक्ति हमें जीवन में आनंदित होना, आह्लादित होना नहीं सिखा रही। होना है आह्लादित तो ज्ञान और वैराग्य को। ज्ञान और वैराग्य जाग गया तो हमारी ये भक्ति, अब ज्ञान वैराग्य को जगाता कौन है? कहते श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान और भक्तों की कथा। अब निरंतर, लेकिन शर्त ये है, सदा सेव्या सदा सेव्या, श्रीमद् भागवती कथा आपको सुनना नहीं, केवल सेवन करना सीखना है। सेवन क्योंकि सुनते तो आप हैं, इसलिए सुनने का जोर हम देते नहीं, पढ़ने का नहीं देते क्योंकि आप घरों में पढ़, केवल सेवन करने का हम आप लोगों को जोर दे रहे हैं। जिस दिन आपने सेवन कर लिया, समझो उसी दिन सब कुछ हो गया। सेवन करना है ना, क्या करना है? सेवन किया, ज्ञान वैराग्य जागे, भक्ति और वो तीनों आनंदित होकर के, अब निवास कहाँ बताया? कहते भक्तों के हृदय में। अब चाहते हो निवास हो जागते हुए ज्ञान वैराग्य का, अचेत का नहीं, चेतन का, तो उसके लिए आपको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, उससे मन के साथ तादात्म्य संबंध जोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि भक्ति और कहीं और, आपके भीतर भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, आप जाना ही नहीं, जाना ही नहीं तो उसको जगाएंगे कैसे? पहले समझो आपके भीतर ये कथा हो रही, कथा कहीं बाहर नहीं हो रही। ऐसी तुंग भद्रा की दूसरी गति, तुंग मैंने अधिक, भद्रा मैंने कल्याण करने वाली, सबसे अधिक कल्याण करने वाली नदी हमारा मनुष्य का शरीर। इसमें रहते हैं एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी, पति और पत्नी, जीव आत्मा है आत्मदेव, और जो बुद्धि है वो है उसकी पत्नी, दोनों विपरीत हैं। हमारी बुद्धि हमेशा जीव के, बुद्धि संसार का आनंद लेना चाहती है, और जीव आत्मा अपने परमात्मा के साथ जुड़ना चाहता है। जब जब जुड़ना चाहता है, बुद्धि बीच में को तर्क कर देती, तेरे परिवार का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, बुढ़ापे में तेरे को कौन देखेगा, बेटा चाहे लात मारे लेकिन विश्वास तो है ना कि देखेगा, भगवान पर विश्वास ही नहीं क्योंकि हमने मन से उनको अपना माना ही नहीं। एक बार मान के देखो, भूल जाओगे सब कुछ। भगवान को मानते ही नहीं वो, हम मानते हैं पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति है, फिर भी संसार की चीजों को मांगने के लिए उसमें विश्वास कर लेते हैं, पर अपने लिए मांगने के लिए विश्वास नहीं। भगवान की है तो बहुत अच्छा, मैं पत्थर बना रहा हूं अच्छा, नहीं तो फंस जाऊंगा मुसीबत में। मांगे तो आत्मदेव जो है वो जीव आत्मा, और बुद्धि धुंधली उसकी पत्नी, पति और पत्नी दोनों विपरीत। संतान, संतान नहीं है इसलिए वो बहुत चिंतित है हमारी गति कैसे होगी। पहले तो सोच लीजिए संतान कहते किसको, जिसको जीव स्वयं पैदा करता है उसे हम संतान मानते हैं, जब पड़ोसी की जब भाई की संतान को संतान, हमने जन्म दिया वो तो हमारी संतान, और जो भाई की संतान है वो संतान जैसी तो बोल देंगे, मेरे बेटे जैसा ही है, बड़े भाई का बेटा, लेकिन बेटा तो अपने यही बोलेंगे ना संतान। इसका मतलब जो हमारे भीतर से पैदा, हमारे भीतर से जितने भी विकार, जितने भी हमारी इच्छाएं, संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, वो सारी हमारी संतान है क्योंकि हमारे भीतर से